हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल द मीनू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी फ्रेंड आप लोग कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। अभी तो मैं भी ठीक हूँ। तो हम निकले हैं लखनऊ के लिए और अभी सीट बेल्ट लगाए नहीं और आज याद भी नहीं दिलाए सीट बेल्ट के लिए। पहले लगाएंगे हम सीट बेल्ट कि साथ से नहीं पकड़ जाते ऐसे। लग चुकी है मेरी सीट बेल्ट और हम पहुंच चुके हैं, निकल चुके हैं। 15 मिनट हो गए, हम लोग हाईवे पे भी पहुंच गए हैं और अभी जा रहे हैं लखनऊ। और आगे भी पता चलेगा आपको कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो इसलिए ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, वरना मिस मत करिए, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो बस इतना बता सकते हैं कि हम बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं। तो धीरे धीरे देखते रहिए ब्लॉग में। धूप आ रही है, इसकी वजह से पूरा वाइट वाइट इधर से आ रहा है, तो पता चलेगा अभी। तो चलते हैं, आप आगे चल के बात करते हैं आपसे, तो फिर बताएंगे कहाँ जा रहे हैं। और पति देव यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं, मैंने कहा मुझे तो मैं चलाऊंगा कह रहा नहीं नहीं देंगे आपको, आपको दे देते तो हम भी चला लेते थोड़ा बहुत। कुछ बोलोगे? नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना इनको फ्रेंड। तो चलो चलते हैं, मिलते हैं लखनऊ पहुंच के। पहुंच गए हैं लखनऊ, आ गए, क्योंकि अभी तो घर नहीं पहुंचे हैं, अभी यहीं पे हैं, हाईवे पे ही खड़े हुए हैं क्योंकि हमको लग गई भूख। क्योंकि हम लोग को वहाँ से ना सुबह सुबह बस नाश्ता किए थे, उसके बाद में छुट्टी हो गई, तो वहाँ से निकल ले ऐसे पैकिंग वैकिंग करके अपना। और पैकिंग करते करते ना जब से गाड़ी हो गई है मेरे पास, तब से तो बहुत सारे सामान मैं एक्स्ट्रा लेके आती जाती रहती हूँ, हमेशा यही होता है मेरे साथ। और बहुत सामान जो कुछ भी है, इसमें स्वेटर वेटर भी है जो एक्स्ट्रा था उसको रखने भी आए, थोड़ी ठंडी कम हो गई ना, तो जैकेट जो हैवी वैवी वाली है वो चीज़ें नहीं पहन सकते, तो उसको भी ले आए हैं। और बाकी हम आप लोगों से बात कर रहे हैं ना, तो हम बगल अगल में जो हमारी गाड़ियाँ खड़ी सब देख के हमको सोच रहे हैं कि क्या कर रही हैं ये। तो बस इतना कहना चाहेंगे फ्रेंड कि हमको लगी भूख, और हस्बैंड जी भी आते हैं, उसके बाद खाते हैं, देखते हैं क्या लेके आते हैं। हम लोग काफ़ी दूर से ट्राई कर रहे हैं, एक जगह और ट्राई किए थे तो वहाँ पर जियो का नेटवर्क ही नहीं था, तो फिर आगे आए तो अब जाके यहाँ पर है। ऑनलाइन पेमेंट करना था तो नेटवर्क ही नहीं था, तो उसकी वजह से हो ही नहीं पा रहा था। हो थक गए, और तो धूप लग रही है, बैठे बैठे ना थक जाना पड़ता है एक दो घंटे के लिए। तो फ्रेंड हमारा आ गया, रोल आया है, और यहाँ का रोल काफ़ी अच्छा बनता है, तो यहीं पे अक्सर हम लोग आते जाते रहते हैं तो खाते रहते हैं, तो यहीं पर आप भी खा रहे हैं। हो देख के मुँह में पानी आ रहा है, तो पहले खाते हैं और उसके बाद में बात करते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड हम आ चुके हैं लखनऊ घर में, और दीदी के घर आ गए अपने। तो ये मेरा दीदी का घर है, अभी फ्रंट कैमरे में दिखाएंगे आप लोगों को। आ चले, तो हम जा रहे हैं पार्लर अभी थ्रेडिंग बनाने, आज शुभ दिन आया मेरे थ्रेडिंग का, तो आज जाएंगे बनवाने के लिए। और चलिए दिखाते हैं हम आपको अपनी दीदी का घर, बड़ी दीदी छोटी दीदी दोनों को दिखाते हैं। आ जाओ तुम, क्या हनु यहाँ गए, छत पे गए, देखो ये हमारे यहाँ छोटी दीदी का घर है, मम्मी भी आई हैं, तो अभी मम्मी आ रही हैं। ये छोटी दीदी का घर, ये बड़ी दीदी का घर, वहाँ पे हनु खड़ा है, अपने घर का मालिक खड़ा है अपने घर पे। तो ये छोटी बड़ी दीदी का घर का गेट है, और ये छोटी दीदी का घर का गेट है, और उसमें भी घर अपने घर की मालकिन खड़ी है, यहाँ अपने घर के मालिक खड़े हैं, हाँ अपने छत से देख रहे हैं। तो ये हनु भाई, हनु का घर है, हनु अपने मालिक बने हैं अपने घर पे, और ये बिट्टी का घर। भाई मोरंग में खेल, ए बाबू ऐसे नहीं खेला जाता, इसको उड़ा उड़ा के खेलो। नीचे हनु से बोल रही है, हनु से बोल रही है, वहां से हनु उसको बुला रही है, बाय बाय आओ चलें, भागेगी अभी, बुला लो दद्दा को, बुला लो वो भी जाएगी। अच्छा। बनवाने उनको भी, उनको भी बनवा। अच्छी कर लो, अच्छी कर लो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, पाल अपने पापा के साथ तो वीडियो बहुत अच्छे से बनाती हो, बहुत बढ़िया से वीडियो बनवाती, चुपचाप बैठी बैठी।
फाइनली हम आ गए भाई थ्रेडिंग बनवाने के लिए, और सबसे बेस्ट थ्रेडिंग वाली है ही बनाती है जो कैमरे से भाग रही है, आप देख रही हो। कोई देख नहीं रहा, हम फाइनली वीडियो बना रहे हैं। अच्छा। तो हमारे घर के पास ही में पार्लर है तो हम आ जाते हैं, हमारी थ्रेडिंग की बहुत अच्छी थ्रेडिंग बनाती है दीदी, वहाँ पे बनाती है, कितना भी कहते रहो बर्बादी कर देती है, एकदम पतला पतला कर देती है, इसीलिए हम बनवाए ही नहीं है। अब मेरा बना दीजिए। बढ़िया बन गई थ्रेडिंग, मोटी हो गई पहले, एक्चुअली मोटी बहुत पतली हो गई थी ना, वो बना अच्छे से बना नहीं पाते हैं। तो फ्रेंड हम लोग रेडी हो गए, मम्मी भी रेडी हो गई, हम लोग निकल रहे हैं उज्जैन के लिए, और यहाँ पे खेल रही है हमारी मिट्टी रानी, और घर का तैयारी में घर का सब तहस महस बचा हुआ है अभी। एक सेकंड, ससुराल है इसलिए थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। चल यहाँ बैग रेडी, उधर मम्मी की रेडी, चार्जर सबसे मेन, ये लो मम्मी दे दो ये जाके, तो ये उसने पूछ लेना उनसे जाके, तो ये मेरा बैग रेडी। चलो बिट्टी, ओए ए बिट्टी रानी, चलो बाहर चले, अब कोई नहीं है यहाँ पे, तो चलते हैं फ्रेंड, और ब्लॉग में बने रहिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, ब्लॉग को मिस मत करना, और जो हमारे चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आ जाओ, बैग को भी हस्बैंड जी ले जाएंगे, मैं तो नहीं ले जाऊंगी, चलें आओ चलें। तो पहले पीते हैं भाई फ्रेंड पानी, सॉरी दवा तो मैंने अपना लिया ही नहीं है, वहाँ डाले जाएंगे दवा सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट तो दवा है, और अगर वो मिस हुआ तो मेरी जान ही नहीं है, और बस जल्दी जल्दी में निकले, बाकी मैं का बाद में गाड़ी में होगा। ये लो अभी फ्रेंड हम लोग निकल चुके हैं, मम्मी बताएंगे कहाँ निकले हैं, मम्मी बता, मम्मी पीछे बैठी हैं, बताओ मम्मी कहाँ जा रहे हैं हम लोग? उज्जैन। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं फ्रेंड महाकालेश्वर, तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और कंटिन्यू देखिए, नहीं तो मिस हो जाएगा तो हम नहीं जानते हैं। पता ही नहीं चलेगा हम लोग क्या क्या किए हैं जाके वहाँ पे। हाँ तो अभी हम लोग निकल चुके हैं और जा रहे हैं हम लोग अपनी गाड़ी से, यहाँ ड्राइवर साहब बैठे हैं ड्राइविंग करते हुए, ये हमारी लखनऊ की हाईवे, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या था दीदी बोली थी एक बार, मुझे नहीं पता क्या था लेकिन, अरे कुछ है दीदी बताई थी इसको, वो 112 का ऑफिस है, ये क्या है मुझे नहीं पता, ये कौन सी ऑफिस है, 112 किसी को हेल्प की जरूरत है 112 पे करो, ये तो 112 बहुत बढ़िया सुविधा है, आपको पता है कि यूपी के अंदर आप 112 मिलाओगे आपको पुलिस मिलेगी। अच्छा। आपको पता है कि एमपी में जा रहे हो आप, एमपी में 112 चलता नहीं है, मतलब क्या कोई वहाँ प्रोग्राम ऐसा होगा, कोई इमरजेंसी नंबर होगा एमपी का चल रही है, और मान लो उसकी गाड़ी एटलीस्ट कहीं पंचर हो जाए, सुनसान रोड है, वो 112 मिलाएगा, पुलिस को बताएगा अपनी समस्या, पुलिस आएगी वहाँ खड़ी होगी जब तक उसका टायर नीचे नहीं हो जाएगा, उसको इतना फ्री रहेगा दिमाग में यूपी में, लेकिन वही किसी अदर स्टेट में जाएगा क्या उसके दिमाग में ये टेंशन खत्म होगी कभी? नहीं, तो ये हर जगह नहीं होता होगा 112, पता नहीं भाई, ये तो स्टेट पुलिस है ना भाई, हम तो स्टेट पुलिस के अंडर में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, अब हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अंदर से ऐसी सुविधा रखी हो अपने वहाँ पे कैसी चलती हैं, लेकिन इंटरसेप्टर भी 112 की तरह अवेलेबल थोड़ी ना है। तो फ्रेंड जानिए, ये जानकारी आप लोग की भी जरूरत है, आप लोग को भी कभी हाईवे पे गाड़ी खराब हो या ऐसा कुछ हो तो 112 पे फोन करिए, आपको हेल्प मिलेगा। मतलब चलते वक्त दिमाग से फ्री तो हो कि मुझे हर जगह पुलिस का सपोर्ट मिलेगा, और ये चीज़ यूपी में है, यूपी में आप इस दिमाग से फ्री हो कि आपको कहीं कोई चीज़ की समस्या हो सकती है, क्यों मम्मी आप भी रह रही हो, क्या कैसे, मतलब ऐसा इनिशिएटिव पूरे यूपी में मुझे नहीं लगता कि किसी इंडिया में किसी के पास में होगा 112 जैसी सुविधा, टाइम पे पहुंच जाता है, आप फोन मिलाएंगे 112 की, इवेंट का टाइम होता है कि इतनी देर में आपको पहुंचना है, उनका मिनिमम टाइम 8 से 10 मिनट के अंदर वो पहुंचेंगे तुम्हारे पास में। तो बढ़िया, मम्मी लुलू मॉल भी तो इसी रोड पे पड़ता है ना, अभी एक वाला मॉल आएगा
मॉल इसी रूट पे है ना, थोड़ा और आगे जाके। ये फ्रेंड लुलू मॉल, लुलू मॉल को याद करते करते लुलू मॉल मिली गए, देखो हो गया। लुलू जो दिखा है वो इतना फास्ट गाड़ी चल रही है, वो दिखी नहीं, इतना बड़ा है ये, चलते चलते थक जाए इंसान। ये छोटा नहीं लग रहा है, वो बड़ा है, पैदल चलो तो पता लग रहा है। हम लोग चलते चलते फ्रेंड थक गए हैं, अब पी रहे हैं चाय और खा रहे हैं ब्रेड पकौड़ा। चाय तो पहले ही पी चुके हैं, ब्रेड पकौड़ा खा रहे हैं खट्टी चटनी के साथ। ये खट्टी है, दोनों खट्टी है, मीठी दे देना भैया, ये मीठी है। तो हम लोग झांसी के, अभी थोड़ा झांसी नहीं पहुंचे, झांसी पहुंचने वाले हैं, पहले खाएंगे इसके बाद में निकलेंगे, बहुत देर हो गया। हाई पे सकलिया इतना सुंदर रही सवेरे चलाई भैया, सकलिया चेंज हुई है। मम्मी के तो यार लाल लाल हो गए, जिसके लगते रोज वो लगाइए, रोज लग ये दोनों लाल लाल हो गया। फ्रेंड नाश्ता पानी हो गया, अब निकलते हैं इधर लॉक फिर से अपने सफर अपने मम्मी को खांसी आ रही, तो यहाँ पे अदरक ली है अभी यहाँ ढाबे से, भूख लग रही है। लॉक है गाड़ी, लॉक हमको लग रहा है लॉक है ना, उसी ने बुला रहे हैं। अपनी बोतल अपनी तरफ, मेरी बोतल मेरी तरफ। अब तेरा चेहरा थोड़ा सा दिखा धूप से हट के। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं एमपी में, ये जिला लगता है शिवपुरी का। हम लोग झांसी पार करने के बाद में शिवपुरी रोड पे हैं और ये एमपी जिला वो स्टेट लगता है। ये देखो पहाड़ आ गए, और अभी शिवपुरी का एक्चुअल मतलब जो मेन सिटी है वो पड़ेगा करीब हम लोगों को 60-70 किलोमीटर है अभी यहाँ से। बाकी झांसी पार हो गया, यूपी पार हो गया। यूपी को मैं पीछे छोड़ा है, झांसी को भी अब एमपी में क्रॉस कर लिए हम लोग। तो फ्रेंड हम लोग पहुंच गए महाकालेश्वर मंदिर, मंदिर नहीं पहुंचे हैं, महाकालेश्वर पहुंच गए हैं। होटल वोटल लेके अभी गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, होटल वोटल लेके आप करेंगे रात में आराम। ये बज रहे, 2 बज रहे होंगे ना हमें, हाँ तो 2 बज रहे हम पहुँच चुके हैं। और ये मेरा होटल है, ये मेरा गेस्ट हाउस। तो आज की रातें हम लोग सोएंगे क्योंकि अब बहुत लग गया है थका, चलते हैं अंदर अपने रूम में। वाह कल फॉर्म भरते हुए पूछ रहे हैं यूपी साहब कहाँ जाएंगे, कह रहे हैं यूपी साहब यूपी जाएंगे। आँखें थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि इस वक्त सोए नहीं है, भारी भारी से लगने लगी, बहुत टाइम लगा है। चलो ऊपर चल के पहले से दाहिने आ जाओ, 204 कमरा। जी चाबी लगी है ना, बोले तो कुछ चाबी लगी है, तो शायद यही है कमरा।